अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सूप, जिसके साथ मैं मछली भी डालूंगी। तो जो लोग मीट नहीं खाते हैं या मछली नहीं खाते हैं, वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये काफ़ी मज़े का बनने जा रहा है, तो आप लोग आगे भी देखें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। साथ ही मैं टमाटर का भी सूप बना रही हूँ, जिसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी। टमाटर, धनिया और ये जो काली मिर्च और नमक का पाउडर होता है वो लेनी है। और आप टमाटर को उबालने से पहले ऐसे इसको काट लीजिए। और ये देखिए जो मछली है उसको जल्दी ही निकाल देना है, जो ब्रोकली को भी जल्दी गल जाती है। और देखिए टमाटर के छिलके को मैंने अलग कर दिया है, और अब मैं इसको पीस लूँगी धनिया और काली मिर्च के साथ। ये देखिए पीस लिया है, और इसके साथ ये देखिए जो सूप का वेजिटेबल था उसको भी पीस लिया है। ये मछली को उबाल दिया था, कांटे निकाल दिए हैं और साथ मिक्स कर दिया है इसको, और थोड़ा पकने के लिए रख दिया है। ये देखिए काफ़ी टेस्टी बना था। और आपको जो होममेड जो सूप होता है वो ज़्यादा ही टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है। मार्केट से भी अच्छा सूप बना था। ये देखिए टमाटर का जो है सूप ये भी रेडी है, और ये देखिए वेजिटेबल सूप, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में बहुत ही टेस्टी था।